25 से 30 लड़के चाकू डंडा और तलवार लेकर के वहां जाके मेरे को कार में बांध के घिसलाया सर और मार के फेंक देते मेरे को। रायपुर में नशे के व्यापार को लगाम लगाने के लिए रायपुर पुलिस जो है वो निजात कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं, जो रामनगर के लोग हैं, आज धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको उनका कहना है कि जो नशे का व्यापार है वो रामनगर में फल फूल रहा है और इससे जो है आपराधिक घटनाएं भी जो है वो बढ़ रही है। तो हम बात करेंगे कि क्यों धरने पर आज बैठे हैं और कारण क्या है। धरना में बैठने का जो है मुख्य कारण है कि रामनगर चौकी और गुड़ियारी जिस थाने के अंतर्गत आता है यहाँ पर गुंडे बदमाश को ऐसा पनाह दे रहे हैं जिसका परिणाम है कि आज दो दो तीन तीन हत्याएं 15 दिन के अंदर हो गई। लूटपाट की घटना पूरे अभी विगत 10 दिन पहले गोकुल नगर क्षेत्र में 25 से 30 लड़के चाकू डंडा और तलवार लेकर के घर घर में मारपीट किए, गाड़ियों को तोड़ दिया, उसके बाद भी आज कोई कार्रवाई नहीं होता और उनको इन लोग जो पकड़ के तो लाते हैं और 2,000-5,000 रुपए लेकर के छोड़ देते हैं। अभी विगत आप लोग ये भी देखे होंगे कि किस प्रकार से इंस्टाग्राम में गुंडे बदमाश के द्वारा कैसा वीडियो को वायरल किया जा रहा है, लेकिन आज तक वो पकड़ से बाहर है। अभी आप लोगों के सामने में वो लड़का जिसको मार करके आज मंदिर हसौद में कार में ले जा करके फेंक दिया। आज इतने लोग दहशत में रामनगर के लोग जो है कि वो कुछ घटनाएं को देख करके भी पुलिस को सूचना नहीं देते। इसका मेन कारण वही है कि वो सूचना देते उनकी भी जानकारी जो है पुलिस प्रशासन उन बदमाशों को दे देता है, इसलिए जो है गुंडे बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीति से कोई प्रेरित नहीं है, सिर्फ मोहल्ले के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं वो सब लोग आज इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब लोगों का एक ही मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। रामनगर में जो दारू सट्टा जुआ ये जो चल रहा है इनको जो बंद किया जाए। इनके लिए हम लोग कल गुड़ियारी में भी प्रदर्शन और ज्ञापन दिए थे, आज भी हम लोग पुलिस अधीक्षक को आज सारे लोग जा करके आज वहाँ भी ज्ञापन सौंपेंगे कि इन पुलिस चौकी जो रामनगर के यहाँ के स्टाफ को तत्काल जो है हटाया जाए, तभी हमारे रामनगर क्षेत्र में ये जो घटनाएं घटित हो रही है ये बंद होगा। रामनगर में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ सुलेशन और यहाँ तक कि चरस अफीम पाउडर की बिक्री भी ये पूरा जो है रोडों में हो रहा है, लेकिन इन पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना कि आज इस पुलिस चौकी गुड़ियारी इनकी जो मिली भगत इनके साथ में गुंडा और बदमाश मिला हुआ है तो कहाँ से कार्रवाई होगा। आज ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है, नशा मुक्ति जैसे कोई चीज यहाँ पर नहीं चल रहा है ना, और इसीलिए एक जो है घटनाएं घटित हो रही है। इनके विरोध में हम लोग खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के विरोध में है और हम लोग यही मांग करते हैं कि इनको जो तत्काल जो है हटाया जाए स्टाफ को यहाँ से, तभी यहाँ कार्रवाई रुकेगी। मैं भागवत साहू पूर्व पार्षद रामनगर। भैया क्या कारण है आज सब लोग बैठे हैं यहाँ पर? कानून व्यवस्था के लेकर आज हम लोग वार्ड क्रमांक 24 और वार्ड 25 दोनों यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे मोहल्ले वासी मिल के आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था रामनगर की बहुत बिगड़ गई है, ये रामनगर के पावन धरती में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि आए दिन एक घटना कुछ ना कुछ होते जा रहा है, कभी लूटपाट हो रहा है, कभी किसी के साथ मारपीट हो रहा है, आए दिन 15-20 लड़के बाहर से आते हैं मारपीट करके चले जाते हैं। जो लोग छोटे छोटे लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उनसे पैसा छीन लेते हैं और खुलेआम गांजा चाहे दारू खुलेआम बिक रहा है, जिसके विरोध में एक दिवसीय आज रामनगर कर्मा चौक में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आपके साथ क्या घटना हुआ था थोड़ा सा बताइए। मेरे सर मेरे को पकड़ के लेके गए थे यहाँ से बुद्ध चौक से अपने घर। अब बुद्ध चौक में घर में 3-4 लोग पहले से थे, वहाँ लेके मेरे को जाके अंदर में लेके गए, लोग मारना पीटना चालू कर दे, बेस स्टिक चाकू वाकू सबसे सर सब इसी में मारना चालू कर दे मेरे को सर। 6-7 लोग थे वहाँ से, बात पकड़ने के बाद मेरे को लेके वहाँ मंदिर सोत कार में लेके गए, पकड़ के 6-7 लोग वहाँ जाके मेरे को कार में बांध के घिसलाया सर और मार के फेंक देते मेरे को वहाँ खेत में। सुबह 6-7 बजे मेरा होश आया ना सर, तो मैं जाके
वहाँ 112 वाली को फोन किया, 108 को फोन लगवाया एक आदमी से, तब जाके मेरे घर वाले आए, तब जाके मैं यहाँ का मेका हॉस्पिटल आके पहुँचा हूँ। पुलिस, हाँ पुलिस वाले लोग आए थे ना सर, यहाँ मेरे घर वाले लोग रिपोर्ट दिखाने रामनगर में, तो पुलिस वाले लोग मेरे घर आए थे वहाँ, मतलब वहाँ हॉस्पिटल आए थे, नहीं पकड़ पाए पुलिस तक लोग वीडियो स्टोरी डाल रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, आपका परिचय नाम बताओ। राम शंकर सिंह ठाकुर, ये बुद्ध कबीर त्रिमूर्ति चौक में रहता हूँ, रामनगर करवा चौक। क्या कारण है आज आप मन सब यहाँ पर जमा हुए? आज मोर भाचल मारे 5 दिन हो गए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते है ना, और मरैया मन गुलछर्रा उड़ा के घूमाते, यहाँ घूमत वहाँ घूमाते, वीडियो डाला थे जगह जगह। आज मोर घर हो, कल और किसी के घर भी हो सकते है ना, उसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। पुलिस वाले क्यों ऐसे नहीं कर रहा है? आए दारू गांजा ये सब के लिए तो थाना खोले गए हैं क्या? आए ओकर वजह से हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। अब वही उसी कारण है जो लड़का फरारी है उसको पकड़ाए करके। आज मोहल्ले वासी धरने पर बैठे हैं क्या? सबका भी जानते हैं क्या? बस उनकी कुछ मांग थी रात्रि गश्त कराने की, बाकी जो छोटे बड़े जो अपराध हो रहे उस पर अंकुश लगाने की, तो हमने उसको रात्रि गश्त लगवाया जा रहा है, छोटे बड़े जो कार्रवाई जो बोल रहे हैं उससे कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा कि जो रायपुर पुलिस है और जो रामनगर की पुलिस है उसकी निष्क्रियता को लेकर के जो रामनगर के वासी है वो आज धरने पर बैठ गए हैं, चक्का जाम कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस मामले में। कैमरामैन योगेंद्र के साथ आकाश दंगर, रायपुर।